crash! They are going to crash! Abort landing! जासूस हूँ, मुंशी ने जंग जीती या हारी जाती है सिर्फ एक चीज के बेसिस पर, इंफॉर्मेशन। तुम एक हिंदुस्तानी एजेंट हो? हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी विट्स। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, और कभी कभी तो वो बहुत बड़ा इतिहास भी बन जाता है। और उनमें से कुछ रियल इंसिडेंट्स को याद रखने के लिए बॉलीवुड ने कई फिल्में बनाई है जिनकी कहानी हमारे मन को झंझोर देती है। उन फिल्मों का रियल लाइफ ड्रामा और सस्पेंस एलिमेंट हमें एक तरह से अलग ही फील दे जाता है, अपनी ज़िंदगी में आ रही चुनौतियों से निपटने की हिम्मत देता है। तो इसी तरह से दोस्तों, और बिना टाइम वेस्ट किए हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की देशभक्ति और स्पाई एजेंट्स की लाइफ पर बनी फिल्में जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सरब जीत झूठे मुकदमे में फंसा, वो भी पाकिस्तान में। वो हर हिंदुस्तानी दुश्मन है और हर पाकिस्तानी आतंकवादी है। 7th नंबर पर है फिल्म सरबजीत, जो ईयर 2016 की वन ऑफ द बेस्ट पैट्रियोटिक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी थी, जिसमें हमें एक्टर रणदीप हुडा और उनके साथ लीड कास्ट में ऐश्वर्या राय नजर आई थी, जिसमें उन्होंने उनके सिस्टर का रोल प्ले किया था। उमंग कुमार डायरेक्टर इस फिल्म की कहानी पंजाब में रहने वाले सरबजीत सिंह की कहानी है, वही सरबजीत सिंह जिन्हें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी और आतंकवाद के जुर्म में फांसी की सजा तक सुना दी थी, लेकिन बाद में 22 साल तक उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। फिल्म की कहानी में सरबजीत सिंह पंजाब के एक गाँव का सीधा साधा इंसान था, लेकिन एक दिन अनजाने में वो खेत में काम करते हुए बॉर्डर के पार चला जाता है और तभी पाकिस्तानी आर्मी उसे अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद जेल, जोर जबरदस्ती और टॉर्चर के बाद उसे एक झूठा जुर्म कबूल करवा लिया जाता है कि वो एक जासूस और खुफिया एजेंट है। और उसके बाद सरबजीत किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जेल की दीवारों के पीछे गुजार देता है और क्या कुछ उसके रिहाई के लिए बैकग्राउंड में उसकी सिस्टर दलबीर कौर यानी ऐश्वर्या राय अपनी जी जान से कोशिश करती है, ये सब इस फिल्म में बड़े ही गहरे सेंटिमेंट्स के साथ दिखाया है। रणदीप हुडा ने तो मानो फिर से सरबजीत सिंह को पर्दे पर जिंदा कर दिया हो। साथ ही दलबीर कौर एज ऐश्वर्या राय ने भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। मूवी के सॉन्ग्स और ऑल टाइम इंडियन और इंडियन आर्ट फेस्टिवल की एक झलक हमें इस फिल्म में बखूबी दिखाई देती है। 2 घंटे लंबी इस फिल्म को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मेरे आंखों के सामने मेरे ड्राइवर को गोली मार दी एक 16 साल के इराकी सोल्जर ने। मौके है, फैमिली लेकर निकल जाओ, सोशल वर्क में लग गए तो फंस जाओगे मिस्टर रांझी। प्लीज तो गाइस, नंबर 6 पर है साल 2016 में रिलीज हुई पैट्रियोटिक थ्रिलर ड्रामा मूवी एयरलिफ्ट। राजा कृष्ण मेनन द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म की कहानी ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें एक बड़े तौर पर वार जोन में फंसे लोगों को हिंदुस्तान वापस लाने की जिद्दोजहद को हमें दिखाया गया है। असल में यह इंसिडेंट साल 1990 में गल्फ वॉर के समय हुआ था। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसकी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और यूनिक हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन मूवी को एक और मजेदार फील देता है। फिल्म की कहानी अक्षय कुमार यानी रंजीत कातियाल के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन होता है, और वो कुवैत में फंसे सभी इंडियन सिटीजन्स को भारत वापस लाने का जिम्मा अपने सर पर ले लेता है, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ वार जैसी सिचुएशन में सेफ नहीं थे। दोस्तों, इस फिल्म की काबिले तारीफ डायरेक्शन फिल्म में एक हाई लेवल का टेंशन बरकरार रखती है। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन ने कुवैत को एक वार जोन की तरह बहुत ही अच्छे से फिल्माया है। कुल मिलाकर फिल्म वन ऑफ द इम्प्रेसिव बॉलीवुड मूवी है, जो रियल इंसिडेंट की घटनाओं को एक थ्रिलर प्लॉट के साथ हमें एंटरटेन करती है। फिल्म 2 घंटे और 5 मिनट लंबी है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। गुड मॉर्निंग कैप्टन्स, आई एम नीजा बनोद, आई एम योर हेड पर्सन टुडे। लाडो का प्लेन वो कराची गया था ना, वो हाईजैक हो गया। और नीरजा, अगली और 5th नंबर की मूवी है दोस्तों अदम्य साहस और जज्बे की कहानी पर बनी फिल्म निर्जा। इस फिल्म के टाइटल रोल में एक्ट्रेस सोनम कपूर दिखाई दी थी, जिसने फिल्म में बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। असल में दोस्तों, इस फिल्म की कहानी साल 1986 में हुए एक प्लेन हाईजैकिंग की सच्ची वारदात को हमारे सामने रखती है। इस फिल्म की कहानी मुंबई की नवजीवन सोसाइटी में अपने फैमिली के साथ रहने वाली निर्जा भनोट से शुरू होती है, जो एक मॉडल होने के साथ साथ एक एयर होस्टेस भी होती है। लेकिन जब दिन आता है 5 सितंबर
1986 का, जब निर्जा की ड्यूटी मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट पैन एएम फ्लाइट 73 में होती है। और जब ये फ्लाइट कराची में लैंड करती है तो इसे कुछ टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं। और लगभग 16 घंटों के बाद के कड़ी जद्दोजहद के बाद निर्जा अपने टैलेंट और बड़े साहसी पराक्रम से फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स को हाईजैकर से बचा लेती है और अपनी आखिरी सांस तक लड़ती है। वेल, दोस्तों, फिल्म की स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक सीन्स काफी उम्दा तरीके से फिल्माए गए हैं। अगर आप हाईजैकिंग और ट्रैवलिंग से रिलेटेड फिल्में देखते हैं तो दोस्तों 2 घंटे रन टाइम वाली इस फिल्म को आप एक बार जरूर एक्सपीरियंस कर सकते हो। IMDb पर इस फिल्म को 7.6/10 की रेटिंग दी गई है। हाईजैकर्स ने प्लेन अमृतसर में लैंड किया है। ये पिछले 5 साल में 7वीं हाईजैकिंग है। एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। What is his code name? Bell Bottom. They are the mastermind behind this hijacking. हमारे पास मौका है वो कर दिखाने का जो अब तक हुआ नहीं। क्या कर सकते? Court operation. Your deadline is sunset. क्या सोचा? Game on. 4th नंबर पर है दोस्तों हिस्टोरिकल स्पाई एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म बेल बॉटम। दोस्तों असल में बेल बॉटम फिल्म COVID-19 की महामारी के बाद सिनेमा घरों में सबसे पहले रिलीज की गई थी, जिस समय देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन चल रहा था। खैर, सच्ची घटनाओं पर बनी इस फिल्म की कहानी 1980 के दशक की है, जिसमें भारत के विरोधी देश पाकिस्तान में की गई इंडियन एयरलाइंस की हाईजैकिंग की साजिश को दिखाया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार को एक खुफिया एजेंट के रोल में पोर्ट्रे किया गया है, जिसका फिल्म में कोड नेम बेल बॉटम होता है। फिल्म बेल बॉटम की कहानी 1978 से लेकर 1984 के टाइम पीरियड के बीच की है, जब पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आतंकवादियों का सहारा लेकर भारतीय हवाई जहाजों को हाईजैक कराते हैं। और लगातार हो रहे इन हाईजैकिंग वाले मामलों से इंडियन गवर्नमेंट परेशान हो चुकी थी और कुछ लिमिटेशंस और रुकावटों की वजह से उन्हें अपने खुफिया एजेंट तक ही निर्भर रहना पड़ता था। और उसी समय सामने आते हैं एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के साथ एक रॉ एजेंट बेल बॉटम उर्फ अंशु मल्होत्रा। पर अब किसी तरह से वो उस समय हो रही हाईजैकिंग में फंसे हुए बाकी लोगों को इंडिया लाने के लिए एक बड़ा कारनामा अंजाम देते हैं, और ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। दोस्तों इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, सीक्रेट एजेंट और सस्पेंस ड्रामा, अक्षय कुमार और वाणी कपूर की लव स्टोरी इस फिल्म को और भी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं ये फिल्म अक्षय कुमार की स्पाई थ्रिलर बेबी की याद भी दिलाती है। IMDb पर इस फिल्म को 6.1/10 की रेटिंग मिली है। We are on the verge of a war with Pakistan. अपनों को उनकी औकात दिखा देना। जिंदगी का सही मतलब समझाने का शुक्रिया। तुम्हें एक अंडरकवर मिशन पर भेजा जा रहा है। अपनी बूढ़ी अम्मी को मत भूल जाना। तुम एक हिंदुस्तानी एजेंट हो? नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? आज की थर्ड रैंक पर है हमारी अगली फिल्म, जिसका नाम है रोमियो अकबर वॉल्टर। दोस्तों ये मूवी साल 2019 में आई एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें जाने माने एक्टर जॉन अब्राहम ने एक इंडियन रॉ एजेंट के रोल को 3 तरह से, यानी रोमियो अकबर और वॉल्टर खान के नाम से प्ले किया था। इस फिल्म की कहानी भी इसी तरह के एक अच्छे होनहार एक्टिंग में माहिर इंडियन रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक के लाइफ इवेंट्स पर बनी है। फिल्म की कहानी 1971 के टाइम पीरियड में सेट की गई है, जब भारत से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है और बांग्लादेश नाम का एक नया मुल्क को जन्म मिलता है। फिल्म की शुरुआत में रोमियो अली यानी जॉन अब्राहम को इंडियन रॉ के चीफ श्रीकांत रॉय अकबर मलिक नाम से जासूस बनाकर पाकिस्तान भेजने का प्लान बनाते हैं, और वहां जाकर उसे ईस्ट पाकिस्तान के पास वाले इंडियन एयरबेस पर होने वाले हमले की खुफिया जानकारी इंडियन रॉ को शेयर करनी होती है। लेकिन एक गलती की वजह से अकबर मलिक के अंडरकवर को एक ISIS एजेंट मार देता है और वहीं से अकबर की मुसीबतें बढ़ना शुरू हो जाती है। और उस एयर स्ट्राइक हमले की जानकारी वो किस तरह से कोड और सस्पेंसफुल लैंग्वेज में इंडियन रॉ को देकर कई लोगों की जान बचाते हैं, ये सब फिल्म के एंडिंग में बड़े ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस के साथ दिखाया गया है। अगर आपने ये मूवी देख रखी हो तो दोस्तों कमेंट्स में रिव्यू जरूर साझा करें। 2.5 घंटे रन टाइम वाली इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.6/10 की रेटिंग मिली है। पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। पूरे पाकिस्तान में मुझसे बेहतर दर्जी नहीं मिलेगा आपको। रोक रोक रोक, क्या काम है? प्लंबर आदा। हम भी बना रहे हैं बम। कहां बना रहे हैं जनाब? या रावलपिंडी में? पाकिस्तान रॉ एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और हम अपना हाथ में लेकर बैठे हैं। अमनदीप अजीत पाल सिंह साइनिंग ऑफ। दोस्तों सेकेंड लास्ट पोजीशन ली है स्पाई थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू। दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर ये फिल्म 1971 में हुए इंडो पाक वार के दौरान की खुफिया वारदातों से इंस्पायर्ड है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने इस फिल्म में फीमेल लीड रोल प्ले किया था। वैसे तो खुफिया जासूस और अलग अलग एजेंट्स पर पहले भी काफी फिल्में बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी उसी तरह के एक अंडरकवर रॉ एजेंट की है,
जब वेस्ट पाकिस्तान को 1971 में एक बड़े युद्ध के बाद बांग्लादेश घोषित कर दिया गया था और इसी के चलते पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को रन करना था। और इस फिल्म की कहानी भी वही दौर को फिर से पर्दे पर रिप्रेजेंट करती है, जब अमनदीप सिंह यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक इंडियन रॉ एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजा जाता है, जहां वो तारिक अली नाम के एक दर्जी की पहचान लेकर वहां हो रही न्यूक्लियर प्रोग्राम की ट्रायल से जुड़ी सभी गतिविधियों पर नजर रखे होता है। फिल्म में नसरीन यानी रश्मिका मंदाना से तारिक को प्यार हो जाता है और उनकी शादी भी हो जाती है। आगे अमनदीप सिंह को पाकिस्तान की उस न्यूक्लियर फैसिलिटी का पता लगाने का काम सौंपा जाता है और वो अपनी सूझबूझ से उसका पता भी लगा लेता है, लेकिन उस फैसिलिटी के अंदर जाना यानी अपनी मौत को दावत देने वाला काम था। और फिर अब ऐसे सिचुएशन में एजेंट अमनदीप क्या कैसे करता है, अपने मिशन को किस तरह अंजाम देता है, ये सब इस मूवी के क्लाइमैक्स तक हमें देखने को मिलता है। फिल्म के सभी एक्टर्स की दमदार एक्टिंग, 1971 का ओल्ड टाइम स्क्रीन प्ले और ड्रामेटिक फुटेज मूवी में काफी अच्छी तरह से ऐड किए गए हैं। फिल्म की सस्पेंस स्टोरी लाइन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन सीक्वेंसेस मूवी को और भी इंटरटेनिंग बना देती है। फिल्म शेरशाह की तरह ये फिल्म भी हमें एंडिंग में काफी इमोशनल करा देती है। वेल दोस्तों, ऑलमोस्ट 2 घंटे 10 मिनट की ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। IMDb पर इस फिल्म को 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान इस हैसियत में नहीं कि हमसे मुकाबला कर सके। हाउ पाकिस्तान ऐसा करेगा? एंड व्हाई विल पाकिस्तान डू दैट? हम पाकिस्तान से ऐसा करेंगे। क्या हाथ में दे रहे? तो हमारी लास्ट और नंबर 1 पर मूवी है गाइस, विद्युत जमवाल और अनुपम खेर स्टार IB71, जो इसी साल मई 2023 में रिलीज की गई थी। फिल्म का एक्शन थ्रिलर प्लॉट असल में 1971 के वार पीरियड पर बेस्ड है, जो भारतीय सेना और आईबी के ऑफिसर्स की एक सूझबूझ की कहानी और एक ऐसे सीक्रेट मिशन को पर्दे पर उतारती है जिसके बारे में आज भी कई सारे लोग अनजान हैं। असल में इस फिल्म की कहानी सन 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान के वार बैकग्राउंड पर बेस्ड है, जब भारत के आईबी ऑफिसर्स को पता चलता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर एक बड़े हमले की साजिश में है। ये इन्फॉर्मेशन का पता चलते ही आईबी के चीफ अनुपम खेर और आईबी एजेंट देव जमवाल अलर्ट होकर फौरन पाकिस्तान की इस प्लानिंग को फेल करने के लिए इंडियन एयर स्पेस को ब्लॉक करने की कोशिश में लग जाते हैं और 30 भारतीय एजेंट्स की जान जोखिम में डालकर किस तरह से उन्हें एक हाईजैक हुए प्लेन के साथ पाकिस्तान से लाहौर ले जाया जाता है और पाकिस्तान की बड़ी साजिश को किस तरह से नाकाम किया जाता है, ये सब इस फिल्म में एक बहुत ही सस्पेंसफुल वे में हमें बताया गया है। फिल्म के सभी एक्टर्स, चाहे वो इंडियन रोल में हो या पाकिस्तानी रोल में, सभी ने अपना काम बहुत ही आउटस्टैंडिंग वे में निभाया है। और साथ ही साथ फिल्म के मेन कैरेक्टर्स विद्युत जमवाल और अनुपम खेर ने भी अपनी दमदार एक्टिंग दी है। वेल दोस्तों, लगभग 2 घंटे की ये फिल्म हमारे मूड को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने देती है। IMDb की ओर से फिल्म IB71 को 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो ये थी आज की कुछ गिनी चुनी पेट्रियोटिक और थ्रिलर ड्रामा फिल्में जिन्हें आपको एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर मेंशन कीजिए। और अगर हमसे कोई मूवी छूट गई हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, जिससे आने वाली वीडियोस में हम उसे कवर कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।